भारतीय इतिहास के पन्नों में अत्यंत सुंदर और साहसी रानी रानी पद्मावती का उल्लेख है। रानी पद्मावती को रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मावती के पिता सिंघल प्रांत श्रीलंका के राजा थे। उनका नाम गंधर्व सेन था और उनकी माता का नाम चंपावती था। पद्मावती बाल्यकाल से ही दिखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। उनके माता पिता ने उन्हें बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया था। कहा जाता है बचपन में पद्मावती के पास एक बोलता तोता था जिसका नाम हीरामणि रखा गया था। पद्मावती का महाराज गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री पद्मावती के विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया था, जिसमें भाग लेने के लिए भारत के अलग अलग हिंदू राज्यों के राजा महाराजा आए थे। गंधर्व सेन के राज दरबार में लगी राजा महाराजाओं की भीड़ में एक छोटे से राज्य का पराक्रमी राजा मलखान सिंह भी आया था। उसी स्वयंवर में विवाहित राजा रावल रत्न सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने मलखान सिंह को स्वयंवर में परास्त करके रानी पद्मिनी पर अपना अधिकार सिद्ध किया और उनसे धामधूम से विवाह रचा लिया। इस तरह राजा रावल रत्न सिंह अपनी दूसरी पत्नी रानी पद्मावती को स्वयंवर में जीतकर अपनी राजधानी चित्तौड़ वापस लौट गए। प्रजा प्रेमी और न्यायपालक राजा रावल रत्न सिंह चित्तौड़ राज्य को बड़े कुशल तरीके से चला रहे थे। उनके शासन में वहां की प्रजा हर तरह से सुखी संपन्न थी। राजा रावल रत्न सिंह रण कौशल और राजनीति में निपुण थे। उनका भव्य दरबार एक से बढ़कर एक महावीर योद्धाओं से भरा हुआ था। चित्तौड़ की सैन्य शक्ति और युद्ध कला दूर दूर तक मशहूर थी। चित्तौड़ का प्रवीण संगीतकार राघव। चित्तौड़ राज्य में राघव चेतन नाम का संगीतकार बहुत प्रसिद्ध था। महाराज रावल रत्न सिंह उन्हें बहुत मानते थे, इसीलिए राज दरबार में राघव चेतन को विशेष स्थान दिया गया था। चित्तौड़ प्रजा और वहां के महाराज को उन दिनों यह बात मालूम नहीं थी कि राघव चेतन संगीत कला के अतिरिक्त जादू टोना भी जानता था। ऐसा कहा जाता है कि राघव चेतन अपनी इस आसुरी प्रतिभा का उपयोग शत्रु को परास्त करने और अपने कार्य सिद्ध करने में करता था। एक दिन राघव चेतन जब अपना कोई तांत्रिक कार्य कर रहा था, तब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया और राजदरबार में राजा रावल रत्न सिंह के समक्ष पेश कर दिया गया। सभी साक्ष्य और फरियादी पक्ष की दलील सुनकर महाराज ने चेतन राघव को दोषी पाया और तुरंत उसका मुंह काला कराकर गधे पर बैठा कर देश निकाला दे दिया। खिलजी से मिला राघव, अपने अपमान और राज्य से निर्वासित किए जाने पर राघव चेतन बदला लेने पर आमादा हो गया। अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया था और वह था चित्तौड़ के महाराज रावल रत्न सिंह का संपूर्ण विनाश। अपने इसी उद्देश्य के साथ वह दिल्ली राज्य चला गया। वहां जाने का उसका मकसद दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को उकसाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करवाकर अपना प्रतिशोध पूरा करने का था। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। उन दिनों दिल्ली के बादशाह से मिलना इतना आसान कार्य नहीं था, इसीलिए राघव चेतन दिल्ली के पास स्थित एक जंगल में अपना डेरा डालकर रहने लगता है, क्योंकि वह जानता था कि दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी शिकार का शौकीन है और वहां पर उसकी भेंट जरूर अलाउद्दीन खिलजी से हो जाएगी। कुछ दिन इंतजार करने के बाद आखिर उसे सब्र का फल मिल जाता है। एक दिन अलाउद्दीन खिलजी अपने खास सुरक्षा कर्मी लड़ाकू दस्ते के साथ घने जंगल में शिकार खेलने पहुंचता है। मौका पाकर ठीक उसी वक्त राघव चेतन अपनी बांसुरी बजाना शुरू करता है। कुछ ही देर में बांसुरी के सुर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी और उसके दस्ते के सिपाहियों के कानों में पड़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी फौरन राघव चेतन को अपने पास बुला लेता है, राज दरबार में आकर अपना हुनर प्रदर्शित करने का प्रस्ताव देता है। तभी चालाक राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से कहता है, आप मुझ जैसे साधारण कलकार को अपने राज्य दरबार की शोभा बनाकर क्या पाएंगे? अगर हासिल ही करना है तो अन्य संपन्न राज्यों की ओर नजर दौड़ाए, जहाँ एक से बढ़कर एक बेशकीमती नगीने मौजूद हैं और उन्हें जीतना और हासिल करना भी सहज है। अलाउद्दीन खिलजी तुरंत राघव चेतन को पहेलियां बुझाने की बजाय साफ साफ अपनी बात बताने को कहता है। तब राघव चेतन चित्तौड़ राज्य की सैन्य शक्ति, चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा और वहां की संपदा से जुड़ा एक एक राज खोल देता है और राजा रावल रत्न सिंह की धर्म पत्नी रानी पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का बखान भी कर देता है। यह सब बातें जानकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण करके वहां की संपदा, वहां कब्जा करने और परम तेजस्वी रूप की अंबार रानी पद्मावती को हासिल करने का मन बना लेता है। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण की राघव चेतन की बातें सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ही दिनों में चित्तौड़ राज्य पर आक्रमण करने का मन बना लिया और अपनी एक विशाल सेना चित्तौड़ राज्य की ओर रवाना कर दी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़ तक पहुँच तो गई, पर चित्तौड़ के किले की अभेद्य सुरक्षा देखकर अलाउद्दीन खिलजी की पूरी सेना स्तब्ध हो गई। उन्होंने वहीं किले के आसपास अपने पड़ाव डाल लिए और चित्तौड़ राज्य के किले की सुरक्षा भेदने का उपाय ढूंढने लगे।
खिलजी ने राजा रावल रतन सिंह को भेजा कपट। जब से राजा रावल रतन सिंह ने रूप सुंदरी रानी पद्मावती को स्वयंवर में जीता था, तभी से पद्मावती अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस बात का फायदा उठाते हुए कपटी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ किले के अंदर राजा रावल रतन सिंह के पास एक संदेश भिजवाया कि वह रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान सुनकर उनके दीदार के लिए दिल्ली से यहाँ तक आए हैं और अब एक बार रूप सुंदरी रानी पद्मावती को दूर से देखने का अवसर चाहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ तक कहा कि वह रानी पद्मावती को अपनी बहन समान मानते हैं और वह सिर्फ उसे दूर से एक नजर देखने की ही तमन्ना रखते हैं। के महाराज रावल रतन सिंह का अलाउद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी की इस अजीब मांग को राजपूत मर्यादा के विरुद्ध बताकर राजा रावल रतन सिंह ने ठुकरा दिया, पर फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को बहन समान बताया था, इसलिए उस समय एक रास्ता निकाला गया। पर्दे के पीछे रानी पद्मावती सीढ़ियों के पास से गुजरेंगी और सामने एक विशाल काय शीशा रखा जाएगा जिसमें रानी पद्मावती का प्रतिबिंब अलाउद्दीन खिलजी देख सकते हैं। इस तरह राजपूतना मर्यादा भी भंग न होगी और अलाउद्दीन खिलजी की बात भी रह जाएगी। खिलजी ने दिया शर्त अनुसार चित्तौड़ के महाराज ने अलाउद्दीन खिलजी को आईने में रानी पद्मावती का प्रतिबिंब दिखला दिया और फिर अलाउद्दीन खिलजी को खिला पिलाकर पूरी मेहमान नवाजी के साथ चित्तौड़ किले के सातों दरवाजे पार करा कर उनकी सेना के पास छोड़ने खुद गए। इसी अवसर का लाभ लेकर कपटी अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया और किले के बाहर अपनी छावनी में कैद कर दिया। इसके बाद संदेश भिजवा दिया गया कि अगर महाराज रावल रतन सिंह को जीवित देखना है तो रानी पद्मावती को फौरन अलाउद्दीन खिलजी की खिदमत में किले के बाहर भेज दिया जाए। रानी पद्मावती, चौहान राजपूत सेनापति गोरा और बादल की चित्तौड़ राज्य के महाराज को अलाउद्दीन खिलजी की गिरफ्त से सकुशल मुक्त कराने के लिए रानी पद्मावती, गोरा और बादल ने मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के तहत किले के बाहर मौजूद अलाउद्दीन खिलजी तक यह पैगाम भेजना था कि रानी पद्मावती समर्पण करने के लिए तैयार है और पालकी में बैठकर किले के बाहर आने को राजी है, और फिर पालकी में रानी पद्मावती और उनकी सैकड़ों दासियों की जगह नारी भेष में लड़ाके योद्धा भेजकर बाहर मौजूद दिल्ली की सेना पर आक्रमण कर दिया जाए और इसी अफरा तफरी में राजा रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त करा लिया जाए। पद्मावती के इंतजार में बावरा हुआ अलाउद्दीन, कहा जाता है कि वासना और लालच इंसान की बुद्धि हर लेती है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब चित्तौड़ किले के दरवाजे एक के बाद एक खुले तब अंदर से एक की जगह सैकड़ों पालकियां बाहर आने लगी। जब यह पूछा गया कि इतनी सारी पालकियां क्यों साथ हैं, तब अलाउद्दीन खिलजी को यह उत्तर दिया गया कि यह सब रानी पद्मावती की खास दासियों का काफिला है जो हमेशा उनके साथ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती पर इतना मोहित था कि उसने इस बात की पड़ताल करना भी जरूरी नहीं समझा कि सभी पालकियों को रुकवा कर यह देखे कि उनमें वाकई में दासियां ही है, और इस तरह चित्तौड़ का एक पूरा लड़ाकू दस्ता नारी भेष में किले के बाहर आ पहुंचा। कुछ ही देर में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की पालकी अलग करवा दी और पर्दा हटाकर उनका दीदार करना चाहा, तो उसमें से राजपूत सेनापति गोरा निकले और उन्होंने आक्रमण कर दिया। उसी वक्त चित्तौड़ सिपाहियों ने भी हमला कर दिया और वहां मची अफरातफरी में बादल ने राजा रावल रतन सिंह को बंधन मुक्त करा लिया और उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के अस्तबल से चुराए हुए घोड़े पर बैठाकर सुरक्षित चित्तौड़ किले के अंदर पहुंचा दिया। इस लड़ाई में राजपूत सेनापति गोरा और पालकी के संग बाहर आए सभी योद्धा शहीद हो गए। खिलजी का अपनी युक्ति नाकाम हो जाने की वजह से बादशाह अलाउद्दीन खिलजी झल्ला उठा। उसने उसी वक्त चित्तौड़ किले पर आक्रमण कर दिया, पर वे उस अभेद्य किले में दाखिल नहीं हो सके। तब उन्होंने किले में खाद्य और अन्य जरूरी चीजों के खत्म होने तक इंतजार करने का फैसला लिया। कुछ दिनों में किले के अंदर खाद्य आपूर्ति समाप्त हो गई और वहां के निवासी किले की सुरक्षा से बाहर आकर लड़ मरने को मजबूर हो गए। अंत में रावल रतन सिंह ने द्वार खोलकर आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया और किले के दरवाजे खोल दिए। किले की घेराबंदी करके राह देख रहे मौका परस्त अलाउद्दीन खिलजी ने और उसकी सेना ने दरवाजा खुलते ही तुरंत आक्रमण कर दिया। इस भीषण युद्ध में पराक्रमी राजा रावल रतन सिंह वीर गति हो प्राप्त हुए और उनकी पूरी सेना भी हार गई। अलाउद्दीन खिलजी ने एक एक करके सभी राजपूत योद्धाओं को मार दिया और किले के अंदर घुसने की तैयारी कर ली। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती और नगर की सभी महिलाओं ने लिया जौहर करने का फैसला। युद्ध में राजा रावल रतन सिंह के मारे जाने और चित्तौड़ सेना के समाप्त हो जाने की सूचना पाने के बाद रानी पद्मावती जान चुकी थी कि अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले में दाखिल होते ही चित्तौड़ के आम नागरिक पुरुषों और बच्चों को मौत के घाट उतार देगी।
और औरतों को गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करेगी। इसलिए राजपूतना रीति अनुसार वहाँ की सभी महिलाओं ने जौहर करने का फैसला लिया। जौहर की रीति निभाने के लिए नगर के बीच एक बड़ा सा अग्निकुंड बनाया गया और रानी पद्मावती और अन्य महिलाओं ने एक के बाद एक महिलाएं उस धधकती चिता में कूदकर अपने प्राणों की बलि दे दी। इतिहास में राजा रावल रत्न सिंह, रानी और पद्मावती, सेनापति गोरा और बादल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और चित्तौड़ की सेना वहां के आम नागरिक भी सम्मान के साथ याद किए जाते हैं, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि की रक्षा के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया।